हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे एक अपडेट लेकर आया हूँ क्योंकि मार्केट काफ़ी वीक है, ग्लोबली मार्केट गिर रहे हैं। बहुत सारे लोग को चिंता है कि क्या होगा आगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये जानना कि रीज़न क्या है। तो रीज़न ऐसा है कि कोविड का एक नया वेरिएशन पाया गया है अफ्रीकन नेशंस में, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इसके जो वेरियंट्स हैं कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं इसके बारे में चिंता है। और ये जो है, कई यूके के मिनिस्टर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वेरियंट ऑफ कंसर्न हो सकता है क्योंकि वैक्सीन का असर इस पर शायद ना हो। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि वैक्सीन का असर अगर नहीं होगा तो कंसर्न ज़रूर है, क्योंकि पूरी दुनिया वैक्सीन पे बहुत रिलाई कर रही है। और यही रीज़न है कि मार्केट्स गिर रहे हैं। अगर ये ऐसा वेरिएशन होता जिस पे वैक्सीन काम करेगी तो डेफिनेटली मार्केट इतने पैनिक नहीं करते। दूसरी चीज़ है, ऑलरेडी जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ परेशान हैं इन चीज़ों से। US में भी 1,20,000 से ऊपर एवरेज केसेस आ रहे हैं पिछले कई दिनों में। इंडिया में तो अभी कुछ हल्ला है नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी माहौल ऐसा बना नहीं, लेकिन चिंता तो ज़रूर होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। सेकेंड वेव में ऑलरेडी जो तबाही देखी है लोगों ने, तो उन्हें पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, इसीलिए मार्केट्स गिर रहे हैं। राइट नाउ निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी यहां पे 17,200 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है। 17,080 का एक सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो 16,700 अगले हफ्ते एक दो दिन में हमको मिल जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि कमज़ोर है, क्योंकि 17,200 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके नीचे फिर 16,700 एक सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रॉब्ली हम नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे। कैसे जाएंगे, एक दिन में जाएंगे, दो दिन में जाएंगे, ये तो समय बताएगा, लेकिन ओवरऑल कमजोरी ज़्यादा है। ग्लोबल मार्केट में इस बार वीकनेस है, ऑलरेडी हम बहुत कमज़ोर हैं। जब ग्लोबल मार्केट नहीं गिर रहे थे तो भी हम गिर रहे थे, और अभी तो ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, एक रीज़न के साथ गिर रहे हैं, तो हमारे मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी और ज़्यादा टूट सकते हैं। आज क्लोजिंग में भी मार्केट में काफ़ी फॉल आ सकता है, तो थोड़ी सतर्क रहिए। मेरे हिसाब से मार्केट में बॉटम फाइंड करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मार्केट खुद ही बताएगा कि बॉटम कब बन गया है। वहाँ से बाउंसेज आने लगेंगे, अच्छी बाइंग आने लगेगी, जो कि फिलहाल लग नहीं रहा कि हम बॉटम पे हैं। ये मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, एक महीने से कह रहा हूँ, दो महीने से कह रहा हूँ। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा जो चीज़ें मैं पिछले 3 से 4 महीने से बोल रहा था कि मार्केट मौका नहीं देगा, और मार्केट ने मौका नहीं दिया। बहुत सारे लोग फंसे हैं, और जो फंसे हैं वो लोग हर बाउंस पे निकल रहे हैं। और आज भी वीकेंड है, वीकेंड के पहले लोग खतरा देख के कि यार कहीं और ना गिर जाए, लोग मोस्ट प्रॉब्ली बेच के घर जाते हैं, तो हो सकता है क्लोजिंग तक में मार्केट और गिरे। तो ये मेरा व्यू है। अगर आप मेरे व्यू से सहमत है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। पिछले 1-1.5 महीने से जो मैंने आपको अपडेट्स दिए, बहुत सारे लोग बचे होंगे इस चीज़ से, तो डेफिनेटली ये भी बताइएगा कि क्या आप बच पाए। और बहुत सारे लोग जो मेरी बात नहीं माने होंगे वो भी अब बता सकते हैं कि यार नहीं माने, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं मार्केट में। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।